नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर्स में। और जैसे कि हम अपना वीकली एनालिसिस करते हैं ऑटो सेक्टर का और ऑटो इंडेक्स का, तो उसी को शुरू करते हैं वीकली मंडे टू फ्राइडे। हीरो मोटो, मारुति, अशोक लेलैंड, इनमें क्या मूवमेंट रह सकती है उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आइए उसको शुरू करने से पहले एक बार हम बाबा जी के दर्शन कर लेते हैं। यह डिस्क्लेमर है, मेरी वीडियो देखने से पहले इसको देखना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है और अनिवार्य है। इसको जरूर देखें, इसको जरूर पढ़ें, तसल्ली से वीडियो को रोक के, और उसके बाद ही मेरी वीडियो को देखें। तो चलिए गाइस, एनालिसिस अपना शुरू करते हैं। एनालिसिस ये है आपका निफ्टी ऑटो का इंडेक्स 10,765 पे जो क्लोज हुआ है, 10,765। ठीक है, इन केस ये आपने देखा होगा, यहाँ पे अगर आप नज़र डालेंगे गिरने से पहले, मतलब जो फॉल आया था, इसने यहाँ पे काफ़ी टाइम बिताया। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो जोन है, और ये जोन है इसका 10,830 से लेके आप कह सकते हैं क्या 850 जो आपको लेना है उससे ऊपर 11,023। ठीक है, तो जब ये अभी यहाँ पे अगर आ जाता है, अगर इनकेस ये इस एरिया में घुस जाता है, ये एरिया बनता है आपका ये 850 से, ठीक है, 830 से 850 के बीच में, तो ये डेफिनेटली आपको इसके एक बार दर्शन जरूर कराएगा 11,000 प्लस के। ठीक है, 11,000 प्लस के डेफिनेटली कराएगा। ठीक है, और स्ट्रक्चर भी वैसा ही बनता हुआ दिख रहा है। तो ये तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स हो गया, वीक हो जाएगा ये इसके नीचे। अगर ये 10,670 को तोड़ देता है, 10,670 को तोड़ देता है, तो आपको 10,515-520 तक भी देखने को मिल सकता है निफ्टी ऑटो के इंडेक्स में। अब आ जाइए मारुति, जिसने भैया हमारी काफ़ी अच्छी कमाई करवाई पिछले 10-15 दिन में। ये अभी दोस्तों देखो, जब इसने, आप अगर जोन समझते हो ना मार्केट के जोन, तो मार्केट आपको आराम से चीज़ें बना बना के देगी। ये देखिए, ये एक जोन है। ठीक है, तो जब इसके ये यहाँ पे घुसा, मतलब 6,767 यहीं से मैंने बाय दिया था, और इस जोन का अपर एंड आपका टारगेट दिया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे आया भी, इसने ये, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आया भी। जब इसने इसका ब्रेकआउट दिया तो होल्ड, अब ये कहाँ जा रहा है, अब ये यहाँ जा रहा है, यहां। ठीक है, घुसा इसके अंदर, तो इसका अगला टारगेट आ गया था 7,200, जो कि इसने 3 से 4 दिन में दिखा दिया जब इसने इसके ऊपर यहां पे क्लोज दिया था। ये देखो आप, 1, 2, 3, 4, ठीक है, पांचवा दिन, पांचवे दिन में 7,200 दिखा दिया। जैसे ही इसने 6,800 जो पहला टारगेट था 6,770 के ऊपर, वो यहां चला गया। अब ये अगर इसको पार करने में कामयाब रहता है, जो कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है इसका, और वहां पे रेजिस्टेंस ही मिल रहा है इसको, और ये है ये वाली लाइन, ये, अरे तू क्यों बन रहा है भाई, ये देखो आप, यहां पे इसको पूरा नहीं जाने दे रहा, ऊपर ऊपर चला गया, नीचे नहीं आने दे रहा। ठीक है, और मारुति का तो जब जब मैंने एनालिसिस किया है ना, सटीक हुआ है बिल्कुल। ये हेड एंड शोल्डर बना के आपको वीडियो पुरानी डली हुई है, देखो यहाँ से 6,400-500 का टारगेट दे दिया था, इस हेड एंड शोल्डर का इसने ब्रेकआउट दिया, नीचे की तरफ आया। ठीक है, यहाँ से बाइंग में बिठाया हुआ है, और इसको होल्ड करके रखें। ठीक है, इसको होल्ड करके रखें टिल द टाइम इट डजेंट क्लोज बिलो 7,170। ये इसका SL है जो इसने पोजिशनली इसको पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, अब अगर ये इस दोबारा हाई को काटता है, ठीक है, ये है आपका 7,330 अगर ये काट देता है, तो इसका पहला टारगेट होगा 7,500, और उससे अगला टारगेट होगा, क्योंकि 7,500 के ऊपर चला गया, इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है, 7,700 ना आए, 7,700 ना आए। ये जोन है एक, जैसे ही जोन में घुसेगा अपर एंड टच करेगा,
उसको ये रेजिस्टेंस तोड़ के घुसाए तो अगले वाले रेजिस्टेंस पे जाएगा ही एज पर मार्केट टेक्निकल्स, बाकी 100% मार्केट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी बात कर लेते हैं हीरो मोटो, इसको बहुत पूछ रहे हैं लोग इस दबा के। देखो ये बाइंग में रहना चाहिए, अब बिल्कुल जबरदस्त बाइंग सेटअप है इसमें, ठीक है ना। पर आप रिटेलर की साइकोलॉजी क्या होती है, वो गिरती हुई चीज कभी नहीं पकड़ेगा। डॉक्टर रेड्डी मैंने 10 दिन से बोला हुआ था कि भैया ये बाई में है, बाई में है, बाई में है, बाई में, और लोगों ने कल बाई किया है उसमें। अब किसी ने उसको 5,200-300 पे बाई उसके नीचे किया होता तो 5,500 का स्तर दिखाया उसने, उसको सोचो प्रो। पर ये है, फिर आप सी लेके बैठ जाते हो, चलता है नहीं, वो रोते रहते हो। तो उससे अच्छा भैया कैश में बाई कर लो, प्रॉफिट तो होगा आपको कम से कम। और जब आपको पता लग जाएगा कि कोई स्टॉक कैसे होल्ड किया जाता है, कैसे पकड़ा जाता है, आपको सी पी में भी प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एंट्री, जिसको पता लग गई ना एंट्री कब लेनी है, वो सी पी में भी पैसा लगा के निकाल लेगा। ठीक है, अब ये इसमें सेटअप देखो कितना अच्छा है। इस लाइन के नीचे इसका एसएल बन रहा है 2980, 2980 के नीचे इसका एसएल बन रहा है, जो कि मुझे लगता नहीं है वहां तक भी जाएगा। ये कितना चल रहा है अभी, 3,004 कुछ चल रहा है, और सिर्फ 20 पॉइंट नीचे है। मैं अब कह रहा हूँ ये 2980 इसके नीचे मुझे नहीं लग रहा जाएगा, मुझे नहीं लग रहा है वहां जाएगा, इसको बाई करना चाहिए। इसका टारगेट निकल के आ रहा है 3,200 प्लस, कितना निकल के आ रहा है 3,200 प्लस। अब बीच के स्पीड ब्रेकर सुन लीजिए, पहला स्पीड ब्रेकर इसको मिलेगा यहीं से, अगर आप बाई करते हैं 3,040, ठीक है, 3,040, 3,040 के ऊपर चलेगा तो 3,120, 3,120, और उससे अगला 3,170, फिर 3,240, ये जो मैंने लाइनें खींची हैं। ठीक है, अब इस लाइनें खींचने का मतलब क्या है, ये स्टॉक चल पड़ा मान लो, इसने 3,040 दिखा दिया, आपने बाइंग करके रखा हुआ है, एसेट डाला हुआ है 20 पॉइंट के नीचे का, इसने 3,040 क्रॉस करके वहां पे होल्ड किया। ठीक है, वहां पे होल्ड किया, 80-90% चांसेस हैं ये आपको 3,120 का स्तर दिखाएगा। ठीक है, 3,120 का स्तर दिखाएगा। अगर ये वहां पे घूमता रहे, फिरता रहे, कुछ करता रहे, और फिर आपको 1-2 दिन होल्ड करके दोबारा से 340 के नीचे आता हुआ दिखे, अपना सौदा काटो वहां पे। ठीक है, अपना सौदा काटो वहां पे, प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। टीसीएस ने मैंने 1 दिन पहले बाई दिया 3200 पे, वो 3300 चला गया और वो 3250 पे क्लोज हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं उसको होल्ड करें क्या करें, अरे भैया वो 3300 चला गया, उसको बुक करो यार, वो 50 पॉइंट नीचे आ गया है, तुम्हें 100 पॉइंट का गेन मिला, तुमने 50 पॉइंट छोड़ दिए, हद है मतलब। ठीक है, कम से कम 3,280 पे बुक कर लेते, 275 पे बुक कर लेते यार। तो जो प्रॉफिट बुक नहीं करता है, भगवान भी उसका हेल्प नहीं कर सकता। तो मैं क्या बता दूं, जीटी बताओ, जीटी बताओ, जीटी क्या बता दे, जीटी तुम्हारे डीमेट अकाउंट में थोड़ी घुस सकता है। ठीक है, ये तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा यार, मेरे 100 हाथ नहीं है जो मैं सबका हाथ पकड़ पकड़ के उसका बाई सेल बटन दबाता रहूं। ये है दोस्तों, और 3,040 पे नजर बना के रखिए। जो जो जिसको 1-2 दिन के लिए खेलना है वो 3,040 से ऊपर इसको निकलने दे। 3,040 क्या, मैं तो बोलूंगा 3,060 उसके लिए, 3,060 के ऊपर निकलने दे, और ये 3,120 आपको देखने को मिलेगा। 1-2 दिन का गेम है, वहां बुक करके निकल जाना। जो लंबा खेलना चाहता है तो कैश में बाई करके बैठ जाए, ठीक है, और या फ्यूचर में बाई करके बैठ जाए अगस्त सितंबर तक के लिए, या आपको 3,200-250 दिखा सकता है सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल, सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल है 2980 के नीचे। अब आ जाइए टाटा मोटर, ठीक है, 322 से मैंने इसको बोला हुआ है कि इसको बाई करके बैठे रहिए। अब इसमें जो फ्रेश घुसना चाहता है वो जैसे 356 के ऊपर ये 1 घंटा भी रुक जाए, ठीक है, 356 के ऊपर 1 घंटा भी रुक जाए तो आपने बाई कर लेना है। ठीक है, और पोजिशनली जो होल्ड है भैया वो अपना एसएल को ट्रेल कर लो, और एसएल लेके आ जाओ आप अब 342 पे। क्या लेके आ जाओ, 342 पे, जिस दिन 342 के नीचे क्लोज हो गया उस दिन निकल जाना। ठीक है, उस दिन निकल जाना, बस सिंपल। 20 पॉइंट बहुत होते हैं 322 से बाई में बैठे। आ जाते हैं फिर अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड देखो ये 122 से बाई में, 121 से बाई में दिया हुआ है। क्यों बाई में दिया हुआ है, बिल्कुल बढ़िया ट्रेड सेटअप था ये खींच के, ठीक है, यहां पे था 121 पे।
बिल्कुल सपोर्ट पे, अगर एक 121 को तोड़ता तो ट्रेंड लाइन टूट जाती, बाई करने का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने कहा एक 120 के नीचे का एसएल लगाओ, 121 पे है, बाई की गाड़ी में बैठो, जितना आप सपोर्ट के नजदीक बाई करोगे उतना आपका एसएल छोटा होगा, उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब इसी बाइंग में किसी ने कोशिश की होगी, अरे इसने तो 121 पे दिया था, ये तो क्या कहते हैं 128 आ गया, बाई करता हूँ। अब जो इस कैंडल में घुसा है 128 पे, भैया उसको तो इसने 125 भी दिखा दिया 4 दिन में, वो अपना लॉस बुक करेगा, ठीक है। पर अगले दिन फिर इसने ऊपर खींच दिया, आपके साथ होता ही ऐसे होगा, क्यों? क्योंकि आपकी एंट्री गलत है, ठीक है। तो जो पोजिशनली बाई में बैठे हैं, अब अपना एसएल आगे खिसका लें और एसएल लेके आ जाएं 127, क्या लेके आ जाए 127, ठीक है बस। और फ्रेश बाइंग इसकी अभी थोड़ा पुराना चार्ट देखना पड़ेगा, वो बनती है आपकी 134 के ऊपर। 134 के ऊपर बाइंग करेंगे तो 137 तक देखने को मिल सकता है, और अगर ये 140 से ऊपर, जो मैंने तो इसके टारगेट 155 160 दे रखे हैं, ठीक है, 140 से ऊपर निकलेगा फिर ये स्पीड पकड़ के 150 60 जाएगा, ये नोट कर लेना। अब आते हैं बजाज ऑटो, इसको भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सर इसमें क्या करें, इसमें क्या करें, बाइंग करके रखी हुई है। बाइंग आपने करके रखी है, गलत लेवल पे करके रखी है, इसकी बाइंग अब बनती है 4140 का एसएल लगा के, 4172 चल रहा है, 4140 का एसएल लगाओ, इसको बाई करो, क्योंकि इसने 4140 को तोड़ दिया। अगर इसने 4140 को तोड़ दिया तो 4120, ठीक है, 4120 को तोड़ दिया तो आपका टारगेट है 4000, 4000, इसका बाइंग जोन है 4120 से लेके 4140, ठीक है। और इसको नए हाई के लिए बाई करो दोबारा 4300, 4400 बस, क्योंकि सेटअप अच्छा है, बाइंग अच्छा है। और इसको कहां सपोर्ट मिल सकता है नीचे की तरफ आया तो? ये देखो तो हदा हदी आपको ये 4140 के लगभग मिलेगा, वहां पे आपने बाइंग करनी है 4140 से 4120 के बीच में, सिंपल। इतने बड़े स्टॉक में 15 से 20 पॉइंट का एसएल दे रहा हूं। अब आ जाइए महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा रेजिस्टेंस पे है, इसमें जब तक हाथ मत लगाइए जब तक ये 820 के ऊपर क्लोज ना कर दे, ठीक है, 820 के ऊपर क्लोज ना कर दे, ठीक है ये। और जो यहाँ पे बाइंग करके बैठना चाहता है वो 800 के नीचे के क्लोजिंग का लगाओ एसएल, और आप लोग बाई में बैठ सकते हो, पर दिन कितने लगेंगे वो नहीं पता, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 फिर यूं जाए, तो वो करना चाहते हो तो आपकी बाइंग हो जाएगी इसी लेवल से। अगर 3 4 दिन का ही गेम खेलना चाहते हो तो वो बाइंग है आपकी 825 लगा लीजिए, ठीक है, 825 लगा ली, 825 के ऊपर, 825 के ऊपर आपको 840 और 840 के ऊपर 855 महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है। और इसका अल्टीमेट टारगेट आपको बता देता हूं, 1000 है भाई, 970 और 1000, ठीक है, अगर ये 840 के ऊपर टिक गया, ठीक है। अगला स्टॉक है आपका, ये देखो इसमें कोई बाइंग करना चाहता है तो सीधी लाइन खींचो यहाँ पे, ये है प्रॉपर रेजिस्टेंस पे, जब तक इस लाइन को ना तोड़े तब तक आपने बाई नहीं करना है, ठीक है। अगले हफ्ते की रणनीति तो बनानी पड़ेगी ना दोस्त, ये चार्ट बना के रखो, एस्कॉर्ट को नज़र बना के रखो, लेवल खींच लो कि भैया ये लेवल अगर टूटता है एस्कॉर्ट में अगला हफ्ता खुलेगा तो, ठीक है, 1190, ठीक है, 1190, तो आपको इसको ट्रेड कर देना है कितने के लिए, 1170 सबसे पहले, 1175 के करीब, उसके नीचे 1160, और इसको भी तोड़ता हुआ नीचे आता है तो 1135, और अगर ये ऊपर की तरफ तोड़ता है तो इसके ऊपर आपने अपना बाई सेटअप लगा लेना है, वो है आपका 1235, 1235 के ऊपर आपका बाई सेटअप है, आपको डेफिनेटली 1265 देखने को मिलेगा, डेफिनेटली बोल रहा हूँ, डेफिनेटली,
अगर ये 1235 के ऊपर निकलता है, आपको 1265 देखने को मिलेगा, दैट्स इट। ये है आपका आईसर मोटर, आईसर मोटर भी रेंज में है, ठीक है। और इन केस अगर ये लेवल तोड़ देता है, जो कि आपका आ रहा है 2690 को तोड़ता है, तो भैया फिर इसमें टू सिक्स फाइव फाइव के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, अगर ये नीचे की तरफ तोड़ता है, ठीक है। और हाल तो इसको बाई करना चाहिए यहाँ पे, और आपको देखने को मिल सकता है 2770 और उसके आगे 2840, करेक्ट। पर नीचे की तरफ आया तो ध्यान रखना, जो मैंने नीचे की लाइन खींची है वहाँ पे पक्का देखने को मिल सकता है फिर। दैट्स इट दोस्तों, ये तो था ऑटो इंडेक्स और ऑटो इंडेक्स के स्टॉक्स। इन केस आपको एनालिसिस पसंद आ रहा है, प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वो घंटे वाला बटन दबाना ना भूलें, अदरवाइज आपको अपडेट टाइमली पता नहीं लगेंगी जो मैं ड्यूरिंग द मार्केट आवर देता हूँ। थैंक यू सो मच।